बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अतीका खान के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना और सजाना विद अतीका। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट मिनी चिकन ब्रेड जो है वो आज हम बताएंगे, और इसकी जो फिलिंग है ना उसके तो आप फैन हो जाएंगे, बहुत ही कमाल की फिलिंग है। तो चलें झटपट से रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 कप मैदा ले रही हूँ। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है और 3 कप के करीब हमने इसके अंदर मैदा लेना है। क्वांटिटी वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट आप यही फॉलो करेंगे तो आपकी डो बहुत ज़बरदस्त बनेगी, किसी किस्म का कोई मसला उसमें नहीं होगा। 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है, और 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट चली जाएगी। इसके बाद हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देना है, 1 अदद अंडा चला जाएगा, और हमने इसको गूंद लेना है। गूंदने के लिए मैं इसके अंदर 1/2 कप के करीब नीम गरम दूध, और उसके बाद ही हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। जितना पानी तकरीबन 1/2 कप के करीब, 1/2 कप से 3/4 कप के करीब पानी जो था वो इस्तेमाल हो गया था, बाकी आप डो गूंदते हुए देख लीजिएगा। लेकिन दूध और पानी दोनों आपने नीम गरम इस्तेमाल करने हैं ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो सके। बहुत ज़्यादा गर्म भी इस्तेमाल नहीं करने, ये ना हो कि ईस्ट जो है वो बिल्कुल डेड हो जाए। 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल भी जाएगा, और इसको हमने गूंद लेना है। अच्छी तरह से हम इसको गूंदेंगे। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्टिकी होगी, लेकिन ये है कि आपने इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेना है। जैसे आप इसको नीट करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्टिकी है और आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप हाथ के ऊपर ऑयल लगा कर इसको नीट कर लें, और 7 से 8 मिनट के बाद डो जो है वो अच्छी तरह से सेट होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो स्टिकीनेस है वो कम हो जाती है और बड़े अच्छे तरीके से गूंदी जाती है। तो बस 7 से 8 मिनट तक आपने डो जो है वो अच्छी तरह से गूंद लेनी है, और गूंदने के बाद जिस बर्तन में आपने रखनी है उसके ऊपर भी ऑयल से ग्रीस कर दें, और डो के ऊपर भी ऑयल लगाकर इसको कवर कर दें। राइज होने के लिए रख दें 1 घंटे से 1.5 घंटा, मतलब जितनी देर में आपकी डो जो है वो राइज हो जाएगी डिपेंड करता है आपके कंट्री या सिटी के वेदर के ऊपर। तो बस हम इसको राइज होने के लिए छोड़ देंगे। अगर सर्दियां हैं तो आप इसको ओवन वगैरह में रख दें, तो तकरीबन ही आपके सिटी पे डिपेंड करता है। फिलिंग तैयार कर लेते हैं, और बहुत ही कमाल की फिलिंग है, बहुत मज़ेदार ये बनती है। आप इसको सिंपल सैंडविचेस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये बहुत कमाल की लगेगी। बहुत ईजी तैयार हो जाती है और बहुत सिंपल सी है। 2 टेबल स्पून ऑयल गया था, और उसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ के थोड़े मोटे ही कटे हुए प्याज डाले थे। अब आपको अगर पतले स्लाइसेस में पसंद है तो आप पतले स्लाइसेस में डाल दें, या फिर आप इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज भी डाल सकते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम लो किया हुआ था, और हल्का सा जस्ट 1 से 2 मिनट तक आपने अनियंस को सौते करना है, ना ब्राउन करना है, ना उसको सॉफ्ट होने देना है, और उसका ना ही कलर चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बॉयल किया हुआ और श्रेड किया हुआ कुछ चिकन के पीसेस को मैंने थोड़ा मोटा ही रहने दिया था, बाकी श्रेड कर लिए थे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, 1 टीस्पून ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएंगी, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ऊपर हम काली मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे, एंड दैट्स इट। बस यही मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। इसको अच्छा सा आप मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर लेनी है। प्याज की क्वांटिटी बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और नमक और मिर्चों की भी। तो बस ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर कर 1-2 मिनट तक मैंने इसको कुक किया, और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने मायो डाला है, सॉल्टेड मायो था इसलिए आप अपने मायो के हिसाब से नमक वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड किया था, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। सिंपल सी ये फिलिंग है, लेकिन बिलीव करें बहुत ज़बरदस्त से बनती है, चिकन ब्रेड के अंदर भी, और सिंपल भी आप इसको बनाकर सैंडविचेस में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो जी 1.5 से 2 घंटे लगे थे डो को राइज होने में, डो अच्छे से राइज हो गई थी, और इसको निकाल कर मैंने दोबारा से थोड़ा सा ये मैदा डाला है, और 3 से 4 मिनट तक मैं दोबारा डो को अच्छी तरह से नीट कर लूँगी। ऐसे आपकी डो बड़ी अच्छी सी हो जाती है, देखिए किस कदर सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त सी डो जो है वो हमारे पास गूंदी गई थी। बस इसको मैंने 3 से 4 मिनट और गूंदा, और गूंदने के बाद आप इसको पीसेस में कर लें,
कट कर लें जितनी बॉल्स हमने बनानी है, जितनी मिनी चिकन ब्रेड्स बनानी है उतनी मैं बॉल्स बना दूंगी। पहले सारी बॉल्स बना दूंगी और उसके बाद इनको मैं बेल लूंगी। सारी जो हैं उनको मैं इकट्ठा ही बेल कर पहले रख दूंगी ताकि आसानी से जो है उनकी फिलिंग और उनकी शेप वगैरह जो है वो हम इसको आसानी से दे सकें। आप चाहें तो आप इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे कोई भी फिलिंग वगैरह इसमें से बाहर नहीं गिरेगी। तो बस इसको हम बेल लेंगे और बेलने के बाद ये देखिए मैंने सारी बॉल जो थी उनको बेल लिया है। अब इसके सेंटर में हमने यहाँ पर एक साइड पर, सॉरी सेंटर में नहीं, एक साइड पर हमने फिलिंग रख देनी है और साइड से हमने इसके कट लगा देने हैं ताकि ब्रेडेड शेप के अंदर हमारे पास ये मिनी जो चिकन ब्रेड है वो तैयार हो। चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए और इसकी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। इस तरह करते हुए कट लगा देंगे और उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर लेना है। करते जाएंगे और बेकिंग ट्रे के अंदर हमने बटर पेपर रखना है और उसके अंदर ही हम इसको रखते जाएंगे। ये देखें ये मैंने फोल्ड किया है और माशाल्लाह ये देखें किस कदर खूबसूरत शेप और डिज़ाइन इसका बनेगा। बाकी आप अपने हिसाब से छोटी मोटी बड़ी जितनी भी साइज़ है वो बना सकते हैं। और ये मैंने 10 के करीब जो थी मेरे पास ये चिकन ब्रेड जो थी वो रेडी हो गई थी। अंडा लिया था उसको मैंने फेंट लिया था और वो हमने सारी चिकन ब्रेड्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। आप खाली अंडे की जर्दी जो है सिर्फ वो भी लगा सकते हैं। तो बस अंडे की अंडा जो है वो लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर ये शिमला मिर्च लेंगे और शिमला मिर्च से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर कर देंगे ताकि बहुत खूबसूरत लगे। आप डिफरेंट कलर की शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर भी आप चीज़ डाल सकते हैं। तो खैर मैं इसके ऊपर ये करने के बाद हमने वाइट तिल सीसमी सीड जो हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास ब्लैक तिल हैं आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत लग रही हैं और इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाती हैं। 180 डिग्री के ऊपर हम इसको अपर लोअर दोनों रॉड के ऊपर 15 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनी थी। और ये देखें नीचे से भी अच्छे तरीके से ये हमारे पास कलर खूबसूरत सा कलर आया है और सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।